एक ऐसा देश जहाँ के किसान तेल में तैर कर अपने खेतों तक पहुँचते थे, एक ऐसा देश जहाँ की नदियाँ पानी से नहीं बल्कि तेल से भरी रहती, और जब लोग पानी लेने के लिए नल खोलते तो उसमें से भी तेल निकलता। इस वजह से वहाँ के लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे। इसके पीछे किस कंपनी का हाथ था और ये देश कौन सा है, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो एक पूरे कंट्री को तबाह कर दे, उसकी जमीन, उसके खेत, उसके पीने का पानी, हर चीज को जहर बना दे, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज बना दे, और फिर वो कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरे जोर के साथ कुचल दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री ही क्यों ना यूज करनी पड़े। फिर वो कंपनी पैसा और मीडिया प्रोपेगेंडा यूज करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को एक्सपोज किया जाए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही कंपनी की कहानी जिसने अपने फायदे के लिए लाखों इंसानों की जिंदगी दांव पर लगाई। 1833 में लंदन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिसका नाम था सैमुअल समुद्री खोल या जिन्हें सी शेल्स भी कहा जाता है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। उसके मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके दो बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डालने वाले केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते, उसे एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब उस जमाने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, और उससे मसला ये होता था कि बैरल्स लीक हो जाते थे और तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिजाइन किए ताकि तेल डायरेक्टली सी पोर्ट्स पर खड़े टैंक्स में डाला जा सके, और फिर 1892 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में से ये तेल स्विस कैनाल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट्स जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। ये पहला मौका था कि एशिया और यूरोप की ऑयल की सप्लाई समंदर के जरिए आपस में कनेक्ट हुई। इस एक ट्रिप की वजह से मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। उस जमाने में सिर्फ एक और कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम कर रही थी, और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल। उन्हें जब पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर लेकर एशिया गया है, तो उन्होंने मार्कस को ऑफर की कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उनसे एक कमीशन ले ले। मगर मार्कस ने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है कि क्यों ना अपनी खुद की ऑयल ट्रेनिंग कंपनी बनाई जाए। फिर उसने 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन शेल बहुत जल्द ही दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी थी, बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी कहा गया है कि अगर शेल ना होती तो शायद एलाइस कभी भी जर्मन को हरा नहीं पाती। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी थी। एक ये कि ऑयल 20th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसके पास ऑयल सप्लाई का कंट्रोल होगा वही दुनिया पर राज करेगा, और दूसरा ये कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। एक तो ऑयल रिजर्व्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास है, और दूसरा इसे एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना भी अच्छा खासा महंगा काम है, और फिर जिन कंट्रीज के पास ऑयल के रिजर्व्स है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं। इसीलिए मार्कस के माइंड में इसका सलूशन आया कि वो कोई ऐसा कंट्रीज ढूंढे जिसके पास ऑयल के बड़े रिजर्व्स हो, वो कंट्री अच्छा खासा गरीब भी हो और वहाँ पर ठीक ठाक करप्शन भी हो। ये सारी कंडीशन सिर्फ एक कंट्री पर पूरी होती थी, और वो था अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड अफ्रीका का सबसे रिसोर्स रिच कंट्री नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स नाइजीरिया में है। इसी अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए शेल ने 1940 में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, और फिर नेचुरल खूबसूरती से मालामाल ये कंट्री प्रॉफिट के लालच और पावर की हवस की भेंट चढ़ गया। जल्द ही नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियन ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट के दरमियान कोई ना। अब आप चाहे लोगों के पीने का पानी या किसानों के खेतों को जाने वाला पानी जहरीला बनाए, कोई आपको नहीं रोक सकता। किसान खेत जाते हुए डरते थे कि कहीं गलती से उनसे माचिस ना जल जाए और सारे खेतों को आग ना लग जाए। नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा था, कहीं किसान तो लिटरली इस तेल में तैर कर
अपने खेतों तक पहुंचते थे। सारी नहरें तेल की वजह से खाली हो चुकी थी। लोग पानी लेने के लिए नल खोलते तो उसमें से भी तेल निकलता। लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गया। ऐसी ऐसी बीमारियां फैलने लगी जो पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी। खेत बंजर होने लगे और मजबूरन लोगों ने शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब गवर्नमेंट ही आपके पार्टनर हो तो प्रोटेस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 1990 में शेल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर आर्मी बुलाई गई और निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई गई और ग्रेनेड फेंके गए जिसमें 80 लोग मारे गए और 600 घरों को आग लगा दी। इन लोगों का जुर्म सिर्फ ये था कि ये एक कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसने इनके पीने का पानी और खाना उगाने वाले खेतों को जहर बना दिया था, जिसकी वजह से इनके बच्चे कैंसर से मर रहे थे। शेल को इस सारे ट्रेजेडी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि 3 साल बाद 1993 में एक पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर शेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग की। शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि नाइजीरियन मिलिट्री कैसे एक कंपनी के लिए अपने लोगों पर गोली चला सकती है। दोस्तों, शेल सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि नाइजीरियन आर्मी जनरल्स को भी हैवी फंडिंग दे रखी थी। इसके साथ साथ शेल ने नाइजीरियन आर्मी को स्टेट ऑफ द आर्ट गन, शिप और हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किए। जब सबका कॉमन इंटरेस्ट एक हो तो फिर प्रोटेस्टर्स की वैल्यू ही क्या रह जाती है। शेल ने पैसे के जरिए सबको खामोश करवा दिया था। सब कुछ शेल के कंट्रोल में था सिवाय एक आदमी के। उस आदमी का नाम था कैन सारो विवा। कैन एक राइडर और एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट था। कैन ने शेल के खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट चलाना शुरू की। प्रेस से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स में भी कैन ने लोगों को ये कहा कि शेल उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। कैन के आसपास लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। कैन का सिर्फ एक मिशन था कि शेल को नाइजीरिया से बाहर निकाला जाए। शेल ने कैन से नेगोशिएट करने और उससे खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसमें नाकाम रहे क्योंकि कैन के साथ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी मुश्किल हो रहा था। कैन और उसके साथियों ने शेल के ऑपरेशंस रोकना शुरू कर दिए। तेल ले जाने वाले ट्रक को रोड पर रोक लिया जाता है। प्लांट पर काम करने वाले इंजीनियर्स को डराया धमकाया जाता ताकि वो नाइजीरिया को छोड़कर वापस अपने कंट्री चले जाए, और हिस्ट्री में पहली बार के ऑपरेशंस पर असर पड़ना शुरू हो गया। शेल को एक धचका लगा। एक आदमी उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। उसको हटाने के लिए बहुत ही स्मार्ट प्लान की जरूरत थी। शेल के लोग नाइजीरियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ बैठे और उन्होंने कैन को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया। 4 हफ्ते बाद कैन के गांव के 4 लोकल चीफ्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसका इल्जाम कैन और उसके साथियों पर लगाया गया। हालांकि जिस दिन ये मर्डर हुआ, कैन उस दिन गांव में था ही नहीं। कैन के गांव के चंद लोगों को रिश्वत देकर झूठी गवाहियां दिलवाई गई और फिर 1 साल बाद ही 1995 में कैन और उसके 9 साथियों को फांसी दे दी गई। मैसेज बहुत ही क्लियर था, जो भी शेल के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। इन 9 लोगों की फैमिली ने नीदरलैंड में शेल के खिलाफ केस किया और फिर 2017 में 22 साल बाद शेल को इस ट्रेजेडी का आधा कसूरवार ठहराया गया। हालांकि 5 लोगों ने आकर कबूल किया कि उन्होंने शेल के कहने पर उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। फिर शेल को सिर्फ $15 मिलियन का फाइन करके छोड़ दिया गया। 2018 में दुबई में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डेटा लीक हुआ जिसमें देखा जा सकता था कि शेल ने $1.3 बिलियन की प्रॉपर्टी नाइजीरियन पेट्रोलियम मिनिस्टर और कुछ नाइजीरियन मिलिट्री जनरल्स को गिफ्ट की थी। इसी तरह इस कंपनी ने सिर्फ गवर्नमेंट और मिलिट्री को ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए ऐसी मीडिया कैंपेन्स की। इसमें देखा जा सकता है कि शेल अपने आप को एक ऐसी कंपनी के तौर पर पेश कराए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह दिसंबर 2011 में 40,000 बैरल्स नाइजर रिवर में लीक हो गए और ये दरिया लिटरली काला हो गया। इस दरिया की सारी मछलियां मर गई। आसपास के खेत तबाह हो गए। लोगों के पास पीने का पानी का एक कतरा नहीं रहा और बदले में शेल ने सिर्फ ये कहा कि ये बैरल्स लीक होना शेल की नहीं बल्कि नाइजीरियन पेट्रोलियम वर्कर्स की गलती है। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये साफ कहा गया कि जो माँ नाइजर रिवर के 10 किलोमीटर के रेडियस में रहती थी, उनके छोटे बच्चे के पहले महीने में मरने के चांस 50% है और बचने की सूरत में भी फिजिकली और मेंटली डिसेबल होने के चांसेस 40% है। इन सब वाक्या के बाद नाइजीरियन में शेल के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया।
बल्कि अब तो कई ग्रुप्स हथियारों के साथ शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे। नाइजीरिया में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है और उसकी वजह सिर्फ एक कंपनी है। एक कंपनी ने अपनी खुदगर्जी और लालच की वजह से एक पूरे कंट्री को तबाह करके रख दिया। ये सोच कर ही खौफ आता है कि इंसान पैसे और पावर के लिए किस हद तक गिर जाता है। दूसरे इंसान की जान और माल जैसी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं रहती। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।